देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24 एचडी। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 30 जुलाई को जेब्रा क्रॉसिंग पर एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए लड़की का वीडियो हुआ जोरों से वायरल। वायरल वीडियो के बाद लड़की पर पुलिस का शिकंजा कस गया। वहीं पीड़ित ड्राइवर सदाकत अली सिद्दीकी ने बताया कि उसके फोन के 2 टुकड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, उसने कैब के साइड के 2 मिरर भी तोड़ दिए थे। अब इस मामले पर थप्पड़ मारने वाली लड़की का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि पुलिस ने वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि यह घटना लखनऊ के नजरिया चौराहे ट्रैफिक सिग्नल की है। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ट्विटर पर लड़की पर एक्शन लिए जाने की मांग तेजी से बढ़ गई। वीडियो में दिख रहा था कि लड़की और लड़के के बीच, जो लड़का कैब ड्राइवर था, उनके बीच कोई बात को लेकर कहासुनी हुई। इसी के बीच लड़की ने गुस्सा होकर कैब ड्राइवर को 20 से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वहीं मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। पुलिस की मौजूदगी में लड़की ड्राइवर को पीटती रही और सब लोग तमाशबीन देवनकर तमाशा देखते रहे। खास बात यह है कि लड़की के साथ कैब ड्राइवर ने किसी भी तरह की कोई भी बदसलूकी नहीं की थी, वह चुपचाप लड़की के थप्पड़ खाता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी लड़की पर एक्शन लिए जाने की बजाय पुलिस उल्टा कैब ड्राइवर को ही पुलिस स्टेशन ले गई। इतना ही नहीं, हंगामे के बीच पुलिस ने शांति भंग धारा के तहत एक्शन ड्राइवर का चालान कर दिया, लड़की को चेतावनी देकर छोड़ दिया। बाद में इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसे देखकर लग रहा था कि लड़की ट्रैफिक के समय ही ट्रैफिक पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान लड़की उसी गाड़ी के कैब के सामने आ गई। ड्राइवर के ब्रेक लगाने की वजह से उसे कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन वह उल्टा ड्राइवर पर ही बरस पड़ी और ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। अब लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने तोड़फोड़ और लूट से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बोले मुझे मारते गए 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा है। की प्रॉब्लम हो, इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा दे। की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा की तरह से वहाँ पे वॉकिंग के लिए जाती थी, ठीक। तो जब भी मैं वॉकिंग के लिए गई वहाँ पे, तो मैं एक था कि इंस्टेंट और पॉइंट जहाँ पे मैं अवर चौराहे पे पहुंची, ठीक। वहाँ पे जाते ही मैंने देखा सिग्नल रेड हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। गाड़ियाँ पास हो रही है, मतलब दे द पुनिशमेंट्स, दे आर वायलेटिंग द लॉ एज वेल एज द पीपल, दे आर वायलेटिंग द लॉ। एंड इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया, ठीक है। तो वो एक इंस्टेंट पे वो आदमी भी आता है जो इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा दे। मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग में चल रही हूँ क्योंकि लाइट रेड हो चुकी है, मैं लॉ को फॉलो करते हुए चल रही हूँ, बाकी के लोग रुकते नहीं है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां पास होती है और एक इंस्टेंट आता है जब मुझे लगता है कि एक आदमी मुझको उड़ा देगा, है ना। और वो क्या करता है, सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को वायलेट करता है, उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता है। पब्लिक पास हो रही है, ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोक रही है, ठीक है। और एक टाइम आता है जब एक गाड़ी मुझे हिट करके निकल जाएगी, तब भी पुलिस खड़े होकर के देखती है। और जब मैं उसको रोकती हूँ वायलेशन ऑफ लॉ में, सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो भी पुलिस खड़े होकर देखती है। जब लोग मुझे 300 मीटर मारते हुए लेके जाते हैं, तब भी पुलिस खड़े होकर देखती है। करता रहा, लेकिन यूपी पुलिस खड़े होकर देखती है हमेशा से। और ये उस दिन के CCTV में भी कैद है कि वो लोग मुझे मारते गए 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा है, ठीक। ये प्रूफ है, मेरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ठीक है सर। और ये देखिए, मेरे हाथों पे चोटें लगी हैं। ग्रीन लाइट पे क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई, उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर